वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और साइड में दिए गए बेल बटन को जरूर क्लिक करो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू हरियाणा ब्लॉगर रीना। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और बस अभी मैंने पूजा की है तो आप सब भी पूजा कर लो, दर्शन कर लो मंदिर के। और पिंकी नाश्ता बना रही है बस, और मैंने अभी पूजा की, बच्चे अभी सो रहे हैं। और पूजा मतलब इसी टाइम होती है, थोड़ी सी लेट होती है क्योंकि मुझे ना दूध वगैरह भी निकालना होता है, इस वजह से मैं थोड़ी सी लेट हो जाती हूँ। हमारे घर में किसी पे दूध निकालना नहीं आता ना, इस वजह से तो थोड़े से टाइम देखो फिर लग ही जाता है। ये है ना, अगर घर घर में हो तो ये भी है, अगर हमने अपने मतलब घर का ही काम करना हो तो जल्दी जल्दी से काम निपटाया, जो मतलब सुबह सुबह में थोड़ा बहुत ही काम होता है, और ना आके पूजा कर ली। लेकिन अगर दूध निकालने जाना हो फिर आके उसका मतलब दूध को गाँधना, उसको गर्म करना, ये भी कई काम हो जाते हैं, और छोटे मोटे बाकी के भी काफी सारे काम हो ही जाते हैं। तो इसीलिए मेरी पूजा थोड़ी सी लेट होती है। तो आप सब बताओ कैसे हो, ठीक हो और वीडियो देख रहे हो ना, वीडियो को लाइक कर लो जाके जल्दी से। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो प्लीज। आप बीच में ऐसे मत जाया करो और वीडियो को पूरी देखा करो, कंप्लीट देखोगे आप वीडियो तभी हमारा वॉच टाइम आएगा, ऐसे वॉच टाइम नहीं होगा इसलिए। और प्लीज अपना सपोर्ट मेरे साथ आप सब ऐसे ही बना के रखना। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं और मिलती हूँ आपको थोड़ी सी देर बाद। और हाँ देखो, मैं अपनी तरफ से बिल्कुल अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, बहुत अच्छा करने की कोशिश करती हूँ मैं अपनी तरफ से, जितना हो सकता है मैं सोचती हूँ कि अपना बेस्ट दूँ, कि मैं कहीं कोई कमी ना छोड़ू देखो। और अगर आपको मेरी वीडियो में थोड़ी सी भी कहीं कोई कमी लगती है तो प्लीज आप वो भी बताया करो मुझे, मैं उसको मतलब ठीक करने की भी कोशिश करूंगी कि आपकी वीडियो में हमें ये कमी दिखती है। अगर आप सब बताओगे मुझे तभी तो पता चलेगा कि मेरी वीडियो में ये कमी है या वो कमी है। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं और मिलती हूँ आपको थोड़ी सी देर बाद। आज ना मुझे थोड़ी सी कमर में परेशानी हो रही है, मतलब मेरी कमर में दर्द रहता है ना, वो थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो रही है, इसलिए रसोई पिंकी साफ कर रही है। आज मैंने नहीं की, ये बस मैंने बर्तन साफ करके छोड़ दिए थे क्योंकि फिर काम इतना सारा हो जाता है ना, बहुत ही ज्यादा हो जाता है, फिर अकेले बंदे में वो होता भी नहीं। ये वाला रूम तो देखो बिल्कुल सेट है, बस वो उस साइड वाला रूम बाकी बचा है, बाहर का रूम भी सेट है, सब कुछ ठीक है। आज मैंने कपड़े वगैरह भी नहीं धुले, और धूप ना पहले तो बादल होता है, बाद में भी तेज धूप हो जाती है, बहुत ही ज्यादा धूप तेज हो जाती है। और यहाँ भी बिल्कुल सब ठीक है। और देखो जो वो वाली बाइक है ना, और देखो जो वो वाली बाइक है ना, उसके बाबा की बाइक है, उसके बाबा चलाते थे उसको, वैसे ये भी चला लेते हैं कभी कभी, अगर कोई वो हो मतलब जब दूसरी बाइक फ्री ना हो तो ये भी इसको चला लेते हैं। लेकिन ये ऐसी कर रहती है क्योंकि होते हैं ना अपने बड़ों की कोई निशानी होती है, उसको ऐसे ही रखना चाहिए हमेशा। देखेंगे हम जब तक रखे जाएगी हम तब तक रखेंगे इसको। और होता है जब ये बाइक देखते हैं ना तो हमें बस ऐसे ही लगता है कि हाँ ये डैडी की कोई चीज़ है, मतलब चीज़ें तो सारी उनकी है लेकिन वो बाइक पे आते जाते थे हमेशा, वो हो जाता है ना किसी एक चीज़ से अलग ही पहचान होती है इसलिए। और ये वाला रूम भी दिखाती हूँ देखो आपको, ये वाला रूम भी बिल्कुल सेट है। अभी ऊपर गेहूं को फैलाने के लिए जा रही हूँ क्योंकि इस मौसम में ना फिर वो हो जाता है कभी बारिश कभी धूप, कभी बारिश कभी धूप, इसलिए कई दिन लग जाता है गेहूं को सूखने में। अभी देखती हूँ गेहूं को फैला के आती हूँ मैं। और अभी माटू ट्यूशन जा रहा है और आप सबको बाय बोलेगा, कहता है मम्मी एक मिनट रुको मैंने सबको बाय बोलनी है, फिर बाद में करना आपने जो करना है। और अब आर्यन ना कुछ सब्जी लेके आया था, वो भी मैंने धूप में रखी हुई है, आलू गोभी मटर और टमाटर है और अरबी है, ये सारी चीज़ें हैं। और सब्जी आपको पता ही है कितनी महंगी हो रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। और जो धुलने की, अब उनको मैं धुल के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, पहले मैंने इनको ऐसे ही रख दिया था। और बर्तन भी रखे हुए हैं और अब रूम साफ कर रही हूँ, बस ये वाला रूम बाकी बचा था ना, इसी को पहले ये सारी चीज़ें बाहर रख के फिर चादर सेट कर दूंगी और फिर बाद में डस्टिंग कर दूंगी रूम की, और फिर बाद में और बाकी के काम करूंगी बचे हुए, जो काफ़ी सारे काम होते हैं। और भी देखो
और अभी ये बस तकिए वगैरह रख दूंगी, दूसरे रूम के भी निकाल के रख दूंगी और बाहर वाले रूम के भी सारी चीजें ला के यहाँ पे रख देती हूँ। मतलब हर रोज भी कर देती हूँ कभी कभी, और कभी ये भी हो जाता है कि मैं छोड़ भी देती हूँ कि चलो एक दिन नहीं रखते धूप में, लेकिन हमें ये रखनी भी चाहिए क्योंकि फिर भी सर में पसीने वगैरह आते हैं। चादर भी मैं तीसरे दिन धुलती रहती हूँ, फिर भी मेरे मन में बस वहम होता है कि मैं सारी चीज़ें अच्छे से साफ तभी होती है जब इन धूप में, मतलब इनके कीटाणु से उठ जाते हैं ना, बस होता है ना ये किसी किसी के मन में, वो ही करती हूँ मैं। और अब बाकी के सारे काम निपट चुके हैं, मैं रसोई में आ गई। आज अरबी बनाएंगे और अरबी बहुत ही अच्छे वाली बनाएंगे। पहले मैं अरबी को छील के अच्छे तरह धुल के उनको धूप में रख दूंगी जब तक ये सूख जाएंगे अच्छे से, क्योंकि अरबी को ना पहले धुल के रखना चाहिए, वो काफ़ी देर लगती है उनको सूखने में भी। और ये मैं ना आज ऐसे ही छील ली थी, मेरे हाथ में इतनी ज़्यादा ख़ारिश हुई, पहले तो हाथ को ही धुल रही हूँ अपने कि कितनी ख़ारिश हो रही है मेरे हाथ में, देखो कैसे ख़ारिश कर रही हूँ ना। और थोड़ा सा नमक डाल के धुलते हैं ना जो अरबी के ऊपर, वो मतलब चिपकी चिपकी लार लार सी होती है, वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है नमक डाल के। और हाथ दिखा रही हूँ देखो कैसे लाल हो गया ना ख़ारिश करते करते बहुत ही ज़्यादा। और इनको अच्छी तरह धुल के और धूप में रख दूंगी, बस ये सूख जाएंगी जब तक। मुझे ऊपर गेहूं को देखने जाना है, मतलब उसको एक बार ना एक दो बार ऐसे हाथ निकालूंगी ना, फिर वो जल्दी जल्दी से सूख जाएगी। और ये देखो मैं ऊपर आ गई, गेहूं मैंने फैला दी, फैला तो काफ़ी टाइम की रखी है, अब दोबारा इनमें हाथ निकालने आई थी। और आपको आसमान दिखा रही हूँ कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही अच्छा, बादल बादल से हो रहा है, कहीं प्लेन प्लेन सा है, कहीं ऐसे इतने सुंदर दिख रहा है बस। और अब दोबारा फिर मैं आ गई थी काफ़ी टाइम पहले, अरे भी मैंने काट ली थोड़ी सी, बाकी बची है मैंने कहा कि आपको भी दिखा दूँ। मैं ऐसे लंबी लंबी सी कट कर रही हूँ उनको, और एक प्याज भी मैंने लंबा लंबा सही काट के रखा हुआ है, और ज़्यादा प्याज नहीं मैंने इसमें डाले, और बस ऐसे ही काटनी है सारी अरबी। और प्लीज़ आप सब एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, बिल्कुल आसान है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है ये सारी चीज़ें। बस ये कई बार कई लोग खाते नहीं ना, तो अगर हम ऐसे कुछ ट्राई करेंगे तो सब खाने लग जाते हैं चीज़ें। और अब मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, और मैं अरबी को फ्राई करूँगी इसमें पहले। और अरबी का ये है, हम जितना तेल डाल लेंगे ना वो उतना ही तेल वापस छोड़ देगी, ज़्यादा तेल नहीं लगता इसमें, क्योंकि मैंने जितना तेल डाला वो उतना ही बच जाएगा, बस उतना ही ये फ्राई हो जाती है, लेकिन इनमें तेल अंदर बिल्कुल नहीं रहता। और मुझे ऐसे ही पकाते रहना है इनको, पकाते रहना थोड़ा सा नमक डाल के कि ये थोड़ी सी गल जाए जल्दी से, और थोड़ा सा टाइम लगता है बस गैस को स्लो करके ऐसे ही हमें। अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो इनमें ये भी होता है कि ऊपर की कच्ची रह जाएगी और अंदर से नीचे की फिर वो जल जाएगी, लेकिन अगर हम इनको ऐसे चला चला के करते रहेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। और अब मैं मसाला भी तैयार कर रही हूँ जब तक अरबी का। मैंने एक कटोरी दही ली, उसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला, ये सारी चीज़ें डाल के अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और जब तक अरबी अच्छे से हमारी फ्राई हो चुकी है उनको देख रही हूँ, ये देखो अरबी बिल्कुल गल चुकी है, मैं ये देख रही कहीं कोई अरबी कच्ची ना रह जाए, फिर ना टेस्ट ख़राब हो जाता है अगर बीच बीच में कोई कच्ची है या पक्की है वो ऐसी आएगी। तो ये अच्छे से तैयार हो चुकी है, अब मैं इनको निकाल लूँगी और अब बस तड़का लगा दूँगी, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी सब्जी बन के हमारी तैयार होगी। और इस सब्जी का नाम है दही अरबी मसाला, बहुत ही ज़्यादा अच्छी सब्जी है। ये देखो अभी सारी फ्राई हो चुकी है, और तेल देखो इन्होंने सारा छोड़ दिया ऐसे ही, बस वही होता है कि थोड़ी सी मेहनत कर लो और अच्छी सब्जी कुछ भी, मतलब कोई भी अगर ऐसी चीज़ है तो हम कर सकते हैं, कुछ ऐसा काम नहीं है कि नहीं कर सकते, बस थोड़ा सा उसको ये है कि हमें मेहनत करने की ज़रूरत होती है, वो हर चीज़ में होती है। ये खाना बनाना तो क्या मेहनत की काम है, ये तो कुछ भी नहीं, लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ में अगर हम मेहनत करेंगे ना तो उसका रिजल्ट हमें अच्छा मिलना ही है। देखो और अब जितना तेल मुझे चाहिए था वो मैंने छोड़ दिया, और अब इसमें मैंने मतलब मैंने बाकी का तेल निकाल लिया था, इसमें जितने जुड़ थी वही छोड़ा है मैंने कढ़ाई में। और अजवाइन डाल दी, उसके बाद मैंने एक प्याज डाल दिया, प्याज में ही मैंने दो हरी मिर्च भी कट करके रखी हुई है वो भी डाल दी। अब इनको अच्छे से मिला रही हूँ, और एक टमाटर का भी मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है, वो मैंने ग्रेटर में कर लिया था, वैसे नहीं चॉपर वगैरह में किसी चीज़ में नहीं किया। और थोड़ा सा लहसुन और अदरक का पेस्ट भी मैंने इसमें डाल दिया, एक चम्मच के करीब ही डालना है बस। और हरी मिर्च भी मैंने दो काटी है ताकि ज़्यादा तीखी ना हो जाए, क्योंकि मैंने मसाले में भी डाली हुई है लाल मिर्च, इसलिए।
और अब इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ बस, ताकि जो मसाला डाला था ना मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट, वो भी अच्छे से पक जाए, और अब जो टमाटर है उसका पेस्ट भी डाल दें। इनको अच्छे से मिक्स करके बाद में वो मसाला जो तैयार करके रखा हुआ वो डाल दूँगी, जो दही वाला मसाला था। और बस हो गई हमारी सब्ज़ी तैयार बिल्कुल इतने जल्दी से। और ऐसे ही बस मैं इसको सारे को मिक्स कर रही हूँ, और ये वाली सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाती है, कोई टाइम ही नहीं लगता इनमें। देखो उनको फ्राई किया और तड़का तैयार किया और डाल दिया, और अब मैंने वो मसाला डाल दिया जो मैंने तैयार करके रखा हुआ है, दही वाला मसाला मतलब। अब इसको ऐसे ही डाल के चलाते रहना थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि ये दही है ना फट सकती है फिर अगर हम इसको नहीं चलाएँगे, और गैस को स्लो करके मैं इसको ऐसे ही चलाती रहूँगी थोड़ी सी देर के लिए। और कलर देखो कितना प्यारा कलर आ गया ना, बहुत ही ज़्यादा दही डालते ही इतना अच्छा कलर आ जाता है ना हल्दी का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और ऐसे ही देखो इसमें उबाल आ चुका है हल्के हल्के से, मतलब वो उबाले उबाले से। अब मैंने ढक के छोड़ दिया कि ये अच्छे से पक जाए एक बार बस, जब वो तेल तेल से ऊपर हो जाता है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देखो तेल तेल सा अलग हो गया ना। और अब मैंने इसमें नमक डाला, नमक मैंने सबसे लास्ट में डाला है, मैंने पहले नहीं डाला इसमें नमक, क्योंकि दही फट जाती है फिर अगर हम पहले नमक डाल दें। और अब मैंने अरबी डाल दी, अब इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ये बिल्कुल मसाले में बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी, और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसमें दही भी डाली थी, और सब्ज़ी का टेस्ट तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है इससे। इनको ऐसे ही बस चलाते रहना है थोड़ी सी देर के लिए, और ढक के छोड़ दूँगी कि ये जो मसाला उसका टेस्ट बहुत अच्छे से आ जाए अरबी के अंदर। ये देखो सब्ज़ी हमारी बिल्कुल अच्छे से बनके तैयार हो चुकी है, अब हम फुलके बना लेंगे बस। और कितनी अच्छी सब्ज़ी बनी ना, अगर हम ऐसे बनाएंगे ना सब्ज़ी को, जो कोई खाएगा भी नहीं उसको भी टेस्टी लगेगी, वो भी एक बार खा के बोलेगा कि हाँ मुझे दोबारा फिर खानी है ये वाली सब्ज़ी। और अब सब्ज़ी तैयार बिल्कुल हो चुकी है, इसको मैं साइड में रख दूँगी और हम फुलके बना लेंगे। अब फुलके बन चुके हैं हमारे, और ये देखो प्लेट आप सबके लिए भी तैयार हो चुकी है, अरबी की सब्ज़ी, दही और फुलके, और दही भी सिंपल वाली है बिल्कुल। और कितनी सुंदर दिख रही है ना अरबी, बहुत ही ज़्यादा। और अब हमारा भी खाना पीना हो जाएगा बस, और ये शाम का टाइम है, अब सामान लेके आए थे मतलब कुछ घर का, वही निकाल रही हूँ अब, यहाँ रख के ना सारा निकाल दूँगी फिर डब्बे में डाल दूँगी। और ये पैकेट जो मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ, आज हमने एक नई चीज़ की शुरुआत की, अब से हम जो नमक आता है ना जो सिंपल वाला सफ़ेद नमक होता है वो हमने छोड़ दिया खाना, अब से हम सेंधा नमक खाएंगे। और वही मैं आपको बार बार दिखा रही थी कि देखो आज से हमने एक नई शुरुआत की है, अब हम वो वाला नमक नहीं खाएंगे, अब ये वाले नमक की शुरुआत करेंगे। और ये मतलब घर का राशन है वो जो आता है महीने में एक बार। और ये घी बना रही हूँ मैं बीच में, मैंने कहा कि चलो इसकी भी छोटी सी क्लिप ले लेती हूँ। ये देखो अब आलू बीन्स की सब्जी बनाएंगे, पिंकी ने सारी तैयारी यहाँ पे करके रखी हुई है, दूध गर्म होने के लिए रख दिया, और अब लाइटें जल चुकी है सारी, मैंने पूजा भी कर ली। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलती हूँ कल आपको एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।